ग्रीक सीड्स मेथी दाना बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आप सभी को पता होगा। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसको लगाने का, कि इसको लगाए कैसे, क्योंकि रोज़ रोज़ इतना झंझट नहीं कर पाते हम लोग कि रोज़ उसको सोक करो और फिर पेस्ट बनाओ बालों में लगाओ, ऐसा रोज़ रोज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज मैं एक बड़ा ही इजी तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप फेनिग्रीक सीड्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके सारे फ़ायदे ले सकते हैं। जो फेनिग्रीक सीड्स होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो प्रोटीन्स की बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ये प्रोटीन ट्रीटमेंट भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे कि बाल मजबूत होते हैं, घने होते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है या तमाम ट्रीटमेंट्स करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर पे ही बड़ा इजी सा उपाय करके अपने बालों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आप फेनिग्रीक सीड्स को कैसे यूज़ करो कि आपके बाल लंबे, घने, मजबूत हो जाएं और बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। सीड्स को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप पैक बना सकते हो, हेयर पैक, हेयर मास्क बना सकते हो, इसका ऑयल भी बना सकते हो, पर मैं जो बताने वाली हूँ उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़ा ही ईजी तरीका है और आप 1 वीक तक करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने जो मेथी दाने हैं इनको ले लिया है, इनको सोक करके रखा है, तो आप इसको 10 से 12 घंटे तक सोक करके रखिए और फिर जो इसका पानी है ना उसको हमें यूज़ करना है। तो मैंने इस पानी को स्प्रे बॉटल में भर लिया है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप डायरेक्ट हाथ से ही या फिर रिंस करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, पर मैंने स्प्रे बॉटल लिया है क्योंकि स्प्रे बॉटल से क्या है कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आपको 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है मेथी दाने को, और ये जो मेथी दाने हैं इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, आप इनको 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हो, मतलब इसमें पानी भर के आप सोक करके इसको 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो 1 वीक के लिए आप एक ही बार में बना लीजिए और फ्रिज में स्टोर करके रखिए और फिर ये जो मेथी दाना बचता है इसको फेंकिए नहीं, इसको पीस के आप अपने बालों में कर्ड के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है फेनिग्रीक सीड का वाटर, और जब आप 10-12 घंटे तक उसको भिगो के रखेंगे तो ये इसका कलर ऐसा हो जाएगा। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी ऐसी हार्श नहीं है कि आप इसको बालों में लगा नहीं रहने दे सकते हैं। इसको लगाना आसान इसलिए है क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप इसको लगाइए और ऐसे ही खुली हवा में इसको ड्राई होने दीजिए, और नॉर्मली जैसे आप 1-2 दिन में या जब भी हेयर वॉश करते हैं तब कर लीजिए, पर इसको लगाने के तुरंत बाद आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है कि आपको इरीटेट करेगी। तो इसको मैं डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे स्प्रे करके ऐसे लगा लेती हूँ और लगा रहने देती हूँ। इसको लगाने के बाद आप ऐसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज भी कर लीजिए और बस इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए। तो मैंने इसको लगा लिया, मैं ऐसे ही बालों को सूखने दूंगी, और अगर आपको कोई स्टाइल करना है तो जब बाल कम्प्लीटली सूख जाए उसके बाद ही कोई स्टाइल कीजिए। इसको आप 10 से 15 दिन तक करके देखिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको 2-3 दिन में ही आपके हेयर फॉल पर डिफरेंस नज़र आएगा, पर और जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि हेयर ग्रोथ होना, उसको थोड़ा टाइम लगता है, पर हाँ आपकी हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम या फ्रिजी हेयर है, ये सारी प्रॉब्लम तो आपको 2-3 दिन के बाद ही इसमें डिफरेंस नज़र आने लगेगा। जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।